वेलकम बैक गाइस आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी दूरदर्शन ऑफिशियल के ऊपर डिटेल में कवर करेंगे मुंबई एफ सी अल सवाद के बीच में खेला जाने वाला फुटबॉल का बहुत ही शानदार मुकाबला तो भाई 10 लाख की मेगा लीग के साथ खेला जाएगा कंपटीशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू अदर्स लीग क्योंकि आमतौर पर पाँच साढ़े पाँच लाख की लीग खेली जाती है तो ये मुकाबला वन साइडेड खेला जाएगा वन साइडेड क्यों खेला जाएगा क्योंकि जे मुकाबला में आपको मुंबई एफ सी की टीम खेलती नजर आएगी लेटेस्ट इस टीम ने अभी यूरोपियन लीग खेली है जिसमें तीस मुकाबला खेला था तीस में से तेईस विनिंग की थी एक मुकाबला मात्र ड्रॉ रहा था और छे मुकाबला इसने लॉस्ट किया था बहुत ही दमदार टीम रही थी यूरोपियन लीग में नंबर वन की टीम रही थी पॉइंट टेबल के हिसाब से और जिसके चलते आज भी इसके हाईस्ट चांस रहेंगे विन करने के क्योंकि लगभग प्लेइंग इलेवन सेम आपको खेलती नजर आएगी अलसब की टीम का बात करूँ तो भाई वैसे तो ये भी टीम बहुत अच्छी आ जाती है बट लास्ट सीजन कुछ खास नहीं किया था छे मुकाबला खेला था एक ग्रुप ए की टीम रही थी छे में से मात्र दो विनिंग की तो तो आपकी कौन सी कमेंट सेक्शन में जरूर तो बता दीजिएगा तो बाकी भाई अगर आप लेना चाहते हैं फाइनल टीम फाइनल अपडेट तो आपको ज्वाइन कर लेना है मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से आप अभी मुझे फॉलो कर पाएंगे लिंक वर्क नहीं करता तो आपको डायरेक्ट सर्च कर लेना है फैटेसी दर्शन ऑफिशियल तो मेगा पर आपको 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 देते रहते हैं हैं बड़े प्राइज आपको मिल जाते हैं और भाई बोलूंगा कि अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं है तो बड़ी चीज कहीं ना कहीं आप जरूर मिस कर देते हैं तो जल्दी से आपको ये काम कर देना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना है शेयर जरूर कर देना है मुझे मोटिवेट करने के लिए तो पहले से मैंने आज की टीम बना रखी है आइए बात करते हैं इस टीम के बारे में तो भाई इस टीम में अगर बात करें गोलकीपर की तो गोलकीपर में महामन नवाज को मैं लेकर चला हूं क्योंकि यहां पर लचापन के खेलने के कम चांस रहेंगे तो नवाज खेलते नजर आएंगे अच्छी पिक है कंप्लीटेड पास इनका बहुत अच्छा रहता है और लास्ट यूरोपियन लीग में इन्होंने तीन प्लांटी सेव की थी चार मुकाबला में और एवरेज देखें तो छः से लेकर सात गोल्स आसानी से गोल सेव से से कर देते हैं बड़ी पिक है अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो नवाज आपके लिए परफेक्ट होने वाली है इसके अलावा ओपोनेंट टीम की तरफ से जहाँ पर बावरी खेलते नजर आएंगे जेड अल बारदी तो भाई जे आपके लिए थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो सकता है क्योंकि एवरेज देखें तो तीस के आसपास का इनका सेब रहता है लास्ट सीजन में कुछ खास नहीं किया था तो अगर आप जीएल खेलते हैं तो उसमें जेड आल बवादी को डाल सकते हैं अगर अच्छा करेंगे तब तो भी बेटर है बुरा करेंगे तो आपकी अच्छी खासी टीम को खराब नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए मैं नवाज को लेकर चलूंगा बात करते हैं अभी डिफेंस सेक्शन की तो भाई बहुत ही शानदार अच्छे शूट और टारगेट के लिए जाने जाते हैं एम फल तो इनको लेकर चलूंगा वैसे भी मोई एफ टीम का जो डिफेंस सेक्शन है गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉँगा है तो तीन जहाँ पर डिफेंडर मैंने जो ले रखे हैं वो मोई एफ की टीम के ले रखे हैं अगर आप जी खेलना चाहते हैं तो उस राहली को भी ले सकते हैं भाई लास्ट सात मुकाबला में एक गोल कर चुके हैं और कंप्लीटेड पास इनका फोर्टी प्लस का रहता है पिक बहुत अच्छी है बट इसे तभी ट्राई कीजिएगा अगर आप जीएल खेलना चाहते हैं भाई अगर जीएल नहीं खेलना चाहते स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहते हैं हेड टू हेड खेलते हैं मिनी जीएल खेलते हैं तब तो आपके लिए फॉल अच्छी पिक हो सकती है और इनके बाद आपको एम राव देसाई को ले लेना है कंप्लीटेड पास इनका सैंतीस प्लस का रहता है इंटरप्शन बॉन्ड बहुत अच्छी रहती है और लास्ट पांच मुकाबला में जे ए गोल कर चुके हैं इसके अलावा वेखारी का बात करें हालांकि गोल ज़्यादा नहीं करते बट चांस बहुत क्रिएट करते हैं ज्यादातर मुकाबलों में भाई इनका चांस क्रिएट देखा जाए तो तीन से लेकर चार ट्राई कर लेते हैं और अच्छी पिक रहेगी आज के मुकाबले में आप मौका दे सकते हैं वैसे इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है बट आपको चालीस के आसपास का फैंटेसी फैंट इजली दिला सकते हैं और कम कैड में आपको एक शानदार पिक मिल जाती है राणावेट के कम चांस रहेंगे खेलने के और मुझे लगता है जहां पर दाक्षिण और मौत को भी टीम से बाहर रखा जा सकता है एम सिंह आपको खेलते नजर आएंगे अगर खेलते हैं तो भाई जीएल के लिए ट्राई कीजिएगा हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा आय संतोष को लेकर चला हूं मुझे लगता है की टीम के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा कर सकते हैं संतोष ने अपना लास्ट मुकाबला 2018 में खेला था कोविड से पहले जिसमें इन्होंने तीन मुकाबला खेला था तीन में से ए, तीन मुकाबलों में एक गोल किया था तो भाई अच्छी पिक है लंबे समय के बाद कम्पेयर करते नजर आएंगे और मुझे लगता है इंजर हो चुके थे जिसके चलते इन्होंने लंबा मुकाबला नहीं इतने टाइम से लॉन्ग टाइम से टीम से बाहर रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छी पिक हो सकती है सेफ फिक्रेगी इसके साथ जाना अगर भाई ये नहीं खेलते हैं अगर प्लेइंग इलेवन से बाहर होते हैं तो एफ एल को मैं ट्राई कर लूँगा जो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ बट चार डिफेंडर मैं अपनी टीम में पक्का रखूँगा क्योंकि डिफेंस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको कम में शानदार पिक्स मिल जाती है जहीं से आएंगे आपके लिए तो मौका तो तो दे सकते हैं और किसी के खेलने के चांसेस नहीं है हो सकता है हार भी आपको खेलते नजर आए बट खेलते हैं तो एक दो टीमों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं ज्यादा टीमों के लिए ट्राई मत कीजिएगा नए प्लेयर रहेंगे आपके लिए और पहले मुकाबला खेलते नजर आएंगे तो भाई अभी तक जे प्लेयर आपके लिए अच्छी पिक है बात करते हैं मिडफील्डर की जहाँ पर अगर आपके पास कैड का इशू नहीं आता तो भाई मौका दे सकते हैं जोहाऊ को आप अगर आपके पास कैड का इशू आता है तो जोहाऊ को ड्रॉप करते हुए बैरबरी को आप ले सकते हैं वैसे तो दोनों का कंपेयर करें तो दोनों ही आई सेम पे का आ जाती है बट थोड़े से ज़्यादा चांस रहेंगे अच्छा करने के जोहाऊ के क्योंकि ये मुंबई एफ की तरफ से आ जाते हैं उसका मिड फील्डर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉग रहेगा तो इसके अलावा बनेगा को काइज लेके चले हैं इंपॉर्टेंट पिक है इनके बिना कोई भी लीग जीत पाना इंपॉसिबल रहेगा किसी को ड्रॉप कर दीजिएगा जे प्लेयर को पक्का अपनी टीम में रखेगा इसके बाद नंबर तीन की बड़ी पिक चंगाठे को लेकर चले हैं भाई एवरेज है अगर बीस के आसपास का भी आपको फेंटेसी पैटर्न करा सक देते हैं तो अच्छी खासी रैंक आपकी आ सकती है किसी भी लीग में ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है तो डिफरेंटल पिक के तौर पर भी आप ट्राई कर लीजिएगा तो जहाँ पर आपको लोकेस्ट और मुन, मुनासर दोनों में से कोई एक खेलता नजर आएगा कौन खेलेगा ये हमें कन्फर्म होगा प्लेइंग एलेवन आउट होने के बाद तो तो जहां पर एवरेज सिलेक्शन हुआ है अभी तक अल्फ्रेड दयाई का गाइज बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं भाई मैं कम से कम आपको बोल दूंगा कि आपको ईजिली पचास के ऊपर का एंट ऐसी करा सकते हैं कंप्लीटेड पास इनका गाइज फिफ्टी प्लस का रहता है अच्छी पिक है किसी टाइम भी गोल कर सकते हैं तो इनके बाद आपको अगर लगता है कि इन चारों में से कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो वैसे तो गाइज मैं आपको सजेशन दूंगा क्रेडिट का इशू नहीं आता तो आप जो हावू को मौका दे सकते हैं अगर इन चारों में से कोई प्लेयर ड्रॉप होगा तो जो नहीं खेलेगा उसको ड्रॉप करते हुए मैं सीधा पिक कर लूंगा जहाव को जो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ बात करते हैं अभी फॉरवर्ड प्लेयर के बारे में तो फॉरवर्ड में गाइज वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अलवेट्रो यूनियन को ले सकता हूं बट उतनी अच्छी पिक नहीं है मैं जहां पर वेटो को पिक करूंगा से पिक हो सकती है आज के मुकाबला के लिए बाकी गाइज अगर आप रिज उठाना चाहते हैं अलवेटो को ले सकते हैं ज्यादा सिलेक्शन है ज्यादा लोगों ने ट्राई कर रखा है बट जी खेलेंगे तो वेटी को ट्राई कीजिएगा भाई वीटो एक मात्र ऐसे प्लेयर हैं अगर अच्छा कर देते हैं तो आपका जीएल में रैंक आ सकता है और लास्ट ग्यारह मुकाबला में तीन गोल कर चुके हैं वहीं एलगुलू का बात करूँ तो एलगुलू ने लास्ट सात मुकाबला खेला है और दो गोल करके आ रहे हैं दोनों के साथ जाना आपके लिए सेफ हो सकता है यूनियन ने अब तक बारह मुकाबला लास्ट है मात्र एक गोल किया है इतने अच्छे प्ले नहीं है, कि पास बहुत अच्छा है और तो तो टेलीग्राम के ऊपर तो एनगुलू को कैप ट्राई किया है, इनके साथ, बनेगा को चला हूं। चाहो तो आप उल्टा भी ट्राई कर सकते हैं जी आपको छोड़ दूंगा तो यह रहेगा मेरा फाइनल टीम एक बार आपको पॉज करके देख लेना है जो टीम का देता हूं खुद लगाता हूं जीतेंगे साथ में